आइए आज हम समझते हैं मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे कहते हैं? ए सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स। अर्थात वह सेंटेंस जो या तो ट्रू है या फॉल्स है तो उसे हम स्टेटमेंट्स कहेंगे। जहाँ कंफ्यूजन है वो स्टेटमेंट्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे 4 और 5 9 इज ए ट्रू सेंटेंस, 4 और 5 = 15 इज ए फॉल्स सेंटेंस, सो इट इज स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट है, अर्थात या तो ट्रू होगा सेंटेंस या फॉल्स होगा, तो उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। आते हैं अब हम ए स्टेटमेंट एज थ्योरम। प्रोपोजिशन अर्थात थ्योरम, प्रोपोजिशन और थ्योरम, प्रोपोजिशन या थ्योरम आर स्टेटमेंट्स। थ्योरम क्या है? एक स्टेटमेंट्स है। और थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होते हैं? थ्योरम के लिए विच आर प्रूव्ड, थ्योरम को प्रूव्ड करना पड़ता है। जबकि पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स वो स्वयं सिद्ध होते हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। विच आर प्रूव्ड, जिसको प्रूव करना पड़ता है थ्योरम को। अब थ्योरम को प्रूव करने के लिए औजार क्या है? फर्स्ट नंबर में यूजिंग डिफिनीशन, एक्सियम्स, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, पहले से प्रूव किए हुए स्टेटमेंट के द्वारा हम थ्योरम को प्रूव करते हैं, और बाय डिडक्टिव रीजनिंग, इन चीजों से हम थ्योरम को प्रूव करते हैं। यूक्लिड साहब ज्योमेट्री में बहुत काम किए हैं, उन्होंने उनके संबंध में मैंने पहले बताया, जो 5 उनके एक्सियम्स को मैं बताया था इस पिछले वीडियो में। और यूक्लिड डिड्यूस्ड किए थे 465 प्रोपोजिशंस अर्थात थ्योरम को, और लिंक लॉजिकली चेन के तरह उन्होंने एक दूसरे से लिंक करते हुए कम से कम हमको लगता है 465-66 के आसपास उन्होंने थ्योरम्स बना डाले थे। यूक्लिड साहब का ज्योमेट्री में बहुत योगदान है। यूक्लिड डिड्यूस्ड 465 प्रोपोजिशंस एंड थ्योरम्स, और ये चेन जो है इन लॉजिकल चेन यूजिंग हीज, और वो लॉजिकल चेन कैसे बनते गया उसका था औजार क्या? एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, एजम्पशंस। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स के संबंध में मैं पिछले वीडियो में बताया दोनों में अंतर क्या है। दोनों ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये इसका प्रूफ नहीं होता, डिफिनेशन का, एक्सियम्स का और पोस्टुलेट्स का, पोस्टुलेट्स ये एजम्पशंस का, तो ये स्वयं सिद्ध होते हैं, ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, और इनके सहारे एक चेन बनते गए थ्योरम का, और इस उसको प्रूफ इन सब के द्वारा किया जाता है। तो अब और डिफिनीशंस और ऑलरेडी प्रूफ्ड थ्योरम, ये 4 औजार थे उनके पास, और इसी से उन्होंने इतनी थ्योरम बना डाले। तो अब हम देखते हैं
पोस्टुलेट्स और एक्जियम्स में खास अंतर क्या है? इसमें ये ज्योमेट्रिकली लिंक्ड है पोस्टुलेट्स, और एक्जियम्स जो है मैथमेटिकली स्पेशली है, और ज्योमेट्रिक भी लिंकेज है। तो यही अंतर खास है, और दोनों यूनिवर्सल ट्रुथ स्टेटमेंट्स हैं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं, और वो होगा यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस। डिटेल में हम बेसिकली समझेंगे ज्योमेट्री को।